सर अवतार का टीजर देखा आपने सर? जी बिल्कुल देखा, पहले देख लिया था मैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज देखने गया था जब मैं उसमें थिएटर में, लेकिन फिल्म का हिंदी टीजर अब आज रिलीज़ किया गया है और मैंने देखा यूट्यूब पर काफ़ी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में भी रिलीज़ कर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जेक का जैसे हम देख रहे हैं एक वॉइस ओवर है एंड के अंदर, वो एंड में काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो फैमिली से रिलेटेड बातचीत हो रही है उसमें। और अवतार में सबसे अच्छी बात है VFX और नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुके हैं। हालांकि 2009 जिस दौर में कोई सी भी फिल्में नहीं आई थी, इवन मार्वल की भी फिल्में नहीं आई थी, और उन्होंने उस वक्त इतने गजब के VFX दिखा दिए थे, और उसी चीज़ को उन्होंने अब जब रिक्रिएट करा और अलग लेवल पे, और ही अलग लेवल पे लेके गए। मतलब आप देखिए, जैसे हम फिल्म तो 3D में जाते हैं देखने और वो सब करते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर जब कोई वीडियो देखते हो तो उसमें तो ना कोई 3D होता है, ना कोई इफेक्ट होता है, और एक नॉर्मल उस पर क्वालिटी पे देख रहे होते हैं। लेकिन वो अवतार का टीज़र कितना गजब का लग रहा है कि वो नॉर्मल मोबाइल पे क्वालिटी पे देखने पे भी कितने गजब के सीन्स लग रहे हैं, और कितना बेहतरीन विजुअल्स लग रहे हैं वो, कितने रिच विजुअल्स लग रहे हैं वो। तो ये फिल्म कितनी गजब की होने वाली, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि थिएटर में क्या मज़ा मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ 3D में ही रिलीज़ किया जाएगा, मतलब IMAX और 3D में। तो इंडिया के अंदर तो IMAX थिएटर्स वैसे है नहीं कोई, लेकिन भोपाल के अंदर और कई और दूसरे शहरों में भी ऐसा है जो 3D में ही जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 3D में रिलीज़ होगी, और ये सही फैसला भी होगा क्योंकि ये फिल्म उसी तरह की है, मुझे लगता भी है कि इसको 2D में नहीं रिलीज़ करना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फिल्म होने वाली है। थोड़ा सा मज़ा आ रहा है देखने में कि वो वाली कहानी को ही कंटिन्यू किया जाएगा अब इतने साल के बाद, क्या होगा क्या नहीं, तो मज़ा आएगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी ये फिल्म? मुझे लगता है तोड़ सकती है, बिल्कुल तोड़ सकती है, क्योंकि पोटेंशियल तो है, क्योंकि देखिए अवतार की ही वो अगला सीक्वल है, तो अवतार के नाम से लोग जाएंगे फिल्म को देखने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी चीज़ें इसमें सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो चुका है, 12 से 13 साल का गैप हो चुका है, तो उस बीच में अब क्या है क्या नहीं, क्या है कि मार्वल की जैसी फिल्में लगातार की उस प्रकार से चल जाती, क्योंकि वो लगातार कनेक्टेड रहती, हर 6 महीने में 4 महीने में उनकी अगली फिल्म आ जाती, तो दर्शक कनेक्ट रहता है। इस फिल्म को बहुत समय हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी अवतार का एक नाम है, और जिस तरह की फिल्म है, धमाल तो बहुत गजब का मचाने वाली है। और कम से कम फिल्म रुपए में अगर बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए की कमाई तो मिनिमम फिल्म को करना ही है वर्ल्ड वाइड बॉक्स।